रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मंडी में एक गाड़ी आ रही है जाकि हर खरीदार जो है जी अंगूर खा रहा है। इस टाइम अंगूर की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। क्वालिटी तो सर्दियों से चल रहा है जी, ये सर्दी के मौसम से सितंबर 2023। सभी किसान व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है रविवार और तारीख 28 अप्रैल 2024। आज मंडी में फल सब्जियों की आवक, बिक्री और मंडी का माहौल कैसा रहा, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और अपना अनुभव भी बताएंगे। 7-8 मिनट की वीडियो में आपको मंडी के माहौल की देंगे विस्तार से जानकारी। यह वीडियो हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का दूसरा भाग है। इससे अलग हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का पहला भाग भी है जिसमें आलू, प्याज और लहसुन के बाजार भाव का माहौल आपके साथ साझा करेंगे। भाइयों, आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक, शेयर, कमेंट में से एक तो ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं। हमारी मेहनत की सफलता इसी में है, आप वीडियो को पूरा देखें। पहले जानते हैं सब्जियों के भाव। टमाटर 300 रुपये से 400 रुपये क्रेट रहा है और टमाटर हाइब्रिड वाला 400 से 450 रुपये क्रेट रहा है। एक क्रेट में 25 किलो टमाटर होते हैं। दो दिनों से टमाटर के बाजार में गिरावट है। शिमला मिर्च का बाजार 9 से 10 रुपये किलो रहा है। हरी मिर्च इस क्वालिटी का माल 24 से 25 रुपये किलो और इस क्वालिटी का माल 16 से 18 रुपये किलो। मिर्च के खरीदारों के लिए महंगे और सस्ते दोनों विकल्प मौजूद हैं। फूल गोभी 15 रुपये से लेकर 18 रुपये किलो का बाजार चला और बंद गोभी भाइयों 6 रुपये से लेकर 7 रुपये किलो का बाजार रहा है। धनिए का बाजार 15 से 20 रुपये किलो। धनिए का बाजार आज कल के मुकाबले नीचे रहा। पालक 8 से 10 रुपये किलो। मेथी 8 से 10 रुपये किलो। पुदीना 20 रुपये से 25 रुपये किलो और करेला इस क्वालिटी का माल 18 से 20 रुपये किलो। और करेले में इस क्वालिटी का माल जो कि बहुत ही सुपर क्वालिटी है 28 से 32 रुपये किलो रहा है। पेठा 4 से 5 रुपये किलो चला। नींबू का बाजार 100 रुपये से 110 रुपये किलो। नींबू के दामों में आजकल अच्छी तेज़ी पकड़ी हुई है। खीरा हाइब्रिड वाला 3 से 5 रुपये किलो रहा है और खीरा पोली हाउस 8 से 10 रुपये किलो। घिया का बाजार 6 से 10 रुपये किलो चला। तोरी 30 रुपये से 35 रुपये किलो। बैंगन 10 रुपये से 12 रुपये किलो इस क्वालिटी का माल और चूचू बैंगन 13 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो। बैंगनी 10 रुपये से 12 रुपये किलो इस क्वालिटी का माल रहा है। भिंडी का बाज़ार 25 रुपये से 30 रुपये किलो ये माल रहा है। मूली 10 से 15 रुपये किलो का बाज़ार चला। गाजर लाल वाली 15 से 16 रुपये किलो और गाजर पीली 14 से 15 रुपये किलो। भाइयों, आजकल मंडी में लाल और पीली दोनों तरह की गाजर उपलब्ध है। चप्पल कद्दू का बाज़ार 12 रुपये से 15 रुपये किलो रहा है। टिंडा 30 से 35 रुपये किलो। चकुंदर का बाज़ार आज 20 से 25 और ककड़ी भाइयों 10 रुपये से लेकर बढ़िया माल 15 रुपये किलो के भाव से बिका है। फलों के बाज़ार भाव की जानकारी लेंगे आज आड़ती भाई श्री नरेंद्र कुमार जी से। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबू जी, आम का सीजन चला हुआ है जी, करनाल मंडी में आम की कैसी आवक है जी, कैसा बाजार है जी? करनाल मंडी में इस टाइम पे आम पूरा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और रेट जो है बढ़िया माल 60 रुपये, बढ़िया माल 60 जी, 50-45 रुपये जी जी। ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है, क्वालिटी 60 रुपये की है। ये 60 रुपये की क्वालिटी है जी। हाँ, आम का उठाव कैसा चल रहा है बाबू जी? आम का उठाव बहुत अच्छा है, उठाव अच्छा है जी। और इस टाइम पे अंगूर देखो फ्रेश कितना अच्छा अंगूर आ रहा है। हाँ जी, अंगूर तो अच्छा आ रहा है बाबू जी। हाँ, तो अंगूर भी इस टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। अंगूर का कैसा बाजार चल रहा है बाबू जी? अंगूर का बाजार इस टाइम पे 800 रुपये। 800 रुपये जी। हाँ, इस टाइम अंगूर बहुत अच्छा बोल रहा है। अंगूर की आवक कुछ थोड़ी कम रह गई बाबू जी? अब मंडी में एक गाड़ी आ रही है जाकि हर खरीदार जो है जी 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 अंगूर खा रहा है। इस टाइम अंगूर की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। क्वालिटी तो बहुत बड़ी आ रही है बाबू जी। इस टाइम पे हर चीज अच्छी है, आम, सेब, अंगूर सब। और बाबू जी, ये खरबूजा था जी? खरबूजा है, खरबूजे का क्या रेट चला बाबू जी? ये हमारा व्यापारी लेके आता है, बहुत एक नंबर माल। अच्छा जी, ये 1100 से कम नहीं बेचता, जो लेके जाता है दोबारा लेके जाते हैं जी जी। बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है खरबूजे की। ये कौन सा खरबूजा ले गया बाबू जी? जौनपुरी। जौनपुरी मधु। मधु
दिखा जी, ये क्या रेट बताओ बाबू जी? ये 50 रुपए। 50 रुपए छोटा साइज है जी थोड़ा? हाँ इसका साइज छोटा है, ये 50 है। क्वालिटी तो इसकी भी बड़ी जबरदस्त है, सारा रहा एकदम। हाँ और ये सेब आ गए ऊपर, ये सेब है छोटे डब्बे की पैकिंग 10 किलो। 10 किलो की पैकिंग जी। ये 1100 रुपए है डेलीशियस, ठीक है 1100 रुपए जी। हाँ और इससे अच्छी क्वालिटी है केडी कुल्लू डेलीशियस, ये 1200 रुपए है। 1200 रुपए डब्बा जी। ये आगे ये भी 10 किलो की पैकिंग है बाबू जी? 10 किलो। ये आगे इसका 2 नंबर है, 1.25 नंबर जो हल्का निशान होता है जी 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 जी। ये बिका है 800 रुपए। 800 रुपए जी। ये बड़े बड़े डब्बे हैं बाबू जी? हाँ ये इसमें 18 किलो सेब है। 18 किलो है रेडी वाले जो गरीबों के लिए जो है, जूसेस में बहुत है जी जी जी, हल्का सा निशान है इसलिए जो कस्टमर जो है थोड़ा कम रेट में है जी जी, इसमें हल्का ही निशान होता है, हल्का एक निशान है जी इसको। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आज आपने फलों के बारे में हमारे दर्शकों के साथ विस्तार से जानकारी साझा किया। नाम नंबर और फर्म का नाम बाबू जी? नाम नरेंद्र कुमार, फर्म साई बाबा फूड कंपनी, फोन नंबर 3333-6443-1। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। बाबू जी चाय प्रसाद भंडारा कब से चालू कर रहे हैं जी करनाल में? जय बाबा बंसी वाले की। जय बाबा बंसी वाले की जी। जय बाबा बंसी वाले का आशीर्वाद से सितंबर 2023 से हर संडे को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलता है, पुरानी नई सब्जी मंडी में और एक दो हफ्ते में बीच में पुराने बस अड्डे पे। पुराने बस अड्डे पे जी। हाँ जी। तो ये सर्दियों से चल रहा है जी? ये सर्दी के मौसम से सितंबर 2023 से। हाँ जी। अब गर्मियों में भी चलता रहेगा जी? लगातार चलेगा जब तक बाबा की इच्छा होगी जी। और बाबू जी गर्मियों में जैसे भी गर्मी आ जाएगी तो गर्मियों में चाय का चलेगा या कुछ और शरबत वगैरह की व्यवस्था रहेगी? अभी सुबह के टाइम में चाय रहेगा, बाकी अगर बाबा की इच्छा होगी तो दिन में शरबत का कोशिश करेंगे। दिन में शरबत का कोशिश करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। बोल बाबा बंसी वाले की जय। कुछ अन्य फल जो रहते हैं उनके भाव इस प्रकार से हैं। नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 1000 से 1050 रुपए। अनानास का बाजार 40 से 42 रुपए किलो रहा। केला करेट 10 से 12 दर्जन 450 रुपए से लेकर 550 रुपए रहा है। पपीता 30 रुपए से लेकर बढ़िया टॉप माल 40 रुपए किलो के भाव से बिका है। अनार में इस क्वालिटी का माल 1000 से 1050 रुपए डब्बा रहा है। एक डब्बे में 10 किलो अनार होते हैं। तरबूज का बाजार 14 रुपए से लेकर बढ़िया माल 18 रुपए किलो के भाव से चला है। चीकू भाइयों 300 रुपए से 450 रुपए डब्बा रहा, एक डब्बे में 10 किलो चीकू होते हैं। आड़ू 40 से 50 रुपए किलो क्वालिटी के हिसाब से, आड़ू की आवक भी अब मंडी में शुरू हो चुकी है। मंडी में माल की आवक अच्छी रही, ग्राहक की भी ठीक ठाक नज़र आई। खीरा घिया शिमला मिर्च की आवक अच्छी बनी हुई है, बाजार भी नीचे की तरफ है। आम सफ़ेदा की आवक बढ़ने लगी है, बाजार भी सामान्य ही चला हुआ है। तरबूज की आवक मंडी में बहुत अच्छी बनी हुई है। भाइयों यह था आज करनाल मंडी में फल और सब्जियों का बाजार भाव वीडियो भाग 2। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आलू प्याज और लहसुन के बाजार भाव के लिए आप देखें वीडियो भाग 1। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।